गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा। आज अपने रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वाले अपने जो पार्ट हैं वो सारे हो गए थे। ठीक है, पहले जो अपने किया था वो पार्ट अपने सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ये अपने किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये अपना हो चुका था और ये टेबल मैंने कट करवा दी थी क्योंकि ये ओल्ड डेटा है, नए डेटा आए हैं वो मैं लिखवा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आज अपने रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। इफ़ फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज एक्सेस टू इनफ फूड फॉर एन एक्टिव हेल्दी लाइफ। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी डिफाइन करती है कि आपको एक्टिव हेल्दी लाइफ के लिए एक अच्छा फूड चाहिए। ठीक है, अच्छी मात्रा में फूड चाहिए। लाइफ स्टॉक कैन मेक ए मेजर कंट्रीब्यूशन। लाइफ स्टॉक क्या इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करता है? An adequate quantity of balanced and nutritious food is a primary indicator of quality of life. ठीक है, adequate quantity एक balanced diet के अंदर nutritious food क्या है, primary indicator है quality of life के लिए। ठीक है, quality of life अगर आपको लेनी है तो आपको nutrient proper चाहिए, human welfare और development के लिए भी। Animal are an important source of food, जो animal है वो important sources है food के, particularly high quality protein मिलता है, protein, vitamin, micronutrients सब इससे मिल जाते हैं। The value of dietary animal protein is an excess of its proportion in diet because it's contained It contains essential amino acids that are deficient in cereal. देखो cereal crop कौन सी होती है? Cereal crop मैंने वैसे बताया हुआ है कि wheat है आपका, rice है, barley है आपका, pearl millet है, ये सारी का cereal crop है। इनमें कुछ essential amino acid की deficiency होती है जो कि अगर अपने animal protein लेते हैं तो उनसे पूरी हो जाती है। Animal diet का मतलब है आपका milk, eggs, meat, ये सारी animal आ जाएंगे। ठीक है, animal product आ जाएंगे। ईटिंग इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट करेक्ट अमीनो एसिड डेफिशिएंसी इन सीरियल बेस्ड ह्यूमन डाइट। ठीक है, अगर थोड़ी मात्रा भी इसकी लेते हैं तो अपनी जो डेफिशिएंसी अमीनो एसिड की वो पूरी हो जाती है। परमिटिंग मोर ऑफ द आइडियल प्रोटीन टू बी यूटिलाइज बिकॉज एनिमल प्रोटीन आर मोर डाइजेस्टेबल। एनिमल प्रोटीन क्या ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है एंड मेटाबोलाइज मोर एफिशेंसी देन दैट प्लांट प्रोटीन। ठीक है, मोबिलाइज मोर इफिशियंसी और मोबिलाइज भी कर सके इफिशियंसली देन प्लांट प्रोटीन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक की बात करें तो मिल्क का कितना, ये सारे ओल्ड डेटा हो चुके हैं स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें दोबारा लिखवाऊंगा। वैसे ये याद रख लेना, मिल्क में अपने फर्स्ट पोजीशन आते हैं, एग में थर्ड पोजीशन पर और फिश में क्या है सेकेंड पोजीशन पर अपने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ जाता है इंपॉर्टेंट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ऑन देयर रोल इन द डाइट। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की अपने बात करते हैं। एनिमल रिसोर्सेज फूड इंक्लूड मैनी फूड आइटम दैट कम फ्रॉम एन एनिमल रिसोर्सेज। ये मैंने बता दिया था, मीट है आपका, मिल्क है, एग है, चीज़, योगर्ट, ये सारे क्या हैं एनिमल प्रोडक्ट से बनते हैं, एनिमल से निकाले गए मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, मैनी इंडिविजुअल डोंट कंज्यूम ASF और कंज्यूम लिटल ASF बाय आइदर पर्सनल चॉइस और नेसेसरली मे नॉट बी एक्सेसिबल टू अवेलेबल टू दिस पीपल। ठीक है, कुछ पीपल ऐसे हैं जो एनिमल रिसोर्सेज फूड लेते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, जैसे अपने मीट जो है कुछ लोग नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, तो अपने जैसे राजस्थान के अंदर 75% जो पीपल हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो वो क्या है एनिमल डाइट मिल्क ले सकते हैं लेकिन अदर एनिमल अदर डाइट क्या है मांसाहार वो नहीं है। ठीक है, अब मीट की अपने बात करें फर्स्ट पैटॉप है। मीट प्रोडक्ट बिलोंग टू वन ऑफ द 6 मेजर फूड ग्रुप हैं। ठीक है, 6 मेजर ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप मीट को, सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन मेजर ग्रुप माना जाता है मीट को। पोल्ट्री, रेड मीट जिसको बीफ और लैम्प पोर्क ये भी कहते हैं, गेम एंड फिश आल प्रोवाइड टू बॉडी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिनरल एंड विटामिन इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी, जिससे क्या उनकी क्या है हेल्दी रहते हैं। मिनरल की आगे बात करें, मीट हैज़ ए वेरी हाई मिनरल कंटेंट इंक्लूडिंग बॉडी इसेंशियल लाइक मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ठीक है, मीट से क्या है मैग्नीशियम, जिंक और आयरन मिलता है। मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन स्ट्रेंथ, इट इज इम्प्रूव विटामिन डी सिंथेसिस एज वेल एज हेल्प इंक्रीज नेट एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, नेट जो एसिड प्रोडक्शन है वो किससे मिलता है अपने को, मैग्नीशियम से मिलता है। इट थ्रू द कंजप्शन ऑफ मैग्नीशियम थ्रू डाइट कुड असिस्ट इन प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, कंजप्शन ऑफ मैग्नीशियम, कंजप्शन करना है मैग्नीशियम का ह्यूमन डाइट के अंदर, वो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस जो है अस्थि मृदुता जिसको बोलते हैं मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होना उससे बचाता है अगर मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाए तो, सप्लाई हो जाए बॉडी के अंदर। ठीक है,
जिंक इज़ विटल रोल फॉर द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड इज़ एसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, जिंक क्या है, एक बड़ा रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मसल ग्रोथ को और मसल को रिपेयर करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आयरन हेल्प टू मेंटेन एनर्जी लेवल एज वेल एज मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आयरन क्या हेल्प करता है, देखो अपनी बॉडी के अंदर जो आयरन बॉडी है, जो बॉडी के अंदर खून क्या है, एक तो O2 के अंदर O2 कैरी करता है, जैसे अपने O2 जो बॉडी के अंदर होती है और जी और आयरन है, इनका बैलेंस रहना ज़रूरी है बॉडी के अंदर। अगर नहीं रहेगा, अगर ये आयरन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ आयरन बिकम कंज्यूम, पीपल रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एनीमिया और फेटिग्यू। ठीक है, एनीमिया खून की कमी या फेटिग्यू मोटापे आने का खतरा रहता है अगर हमारे में आयरन की कमी है तो। रेड मीट एंड टर्की आर पर्टिकुलरली आयरन रिच। ठीक है, रेड मीट है आपका पोर्क को बोलते हैं और टर्की मीट का, टर्की जो होती है उसका मीट आपका आयरन उसके अंदर ज़्यादा होता है और वो आयरन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आयरन लेने वाले के लिए जिनमें आयरन की कमी है। प्रोटीन की बात करें तो मीट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ एसेंशियल फॉर एनी हेल्दी डाइट। सभी हेल्दी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, जितनी भी हेल्दी डाइट है तो प्रोटीन मीट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। इट हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर मसल एज वेल एज हेल्प मेंटेन हेल्दी हेयर बोन और स्किन एंड ब्लड्स। ठीक है, ड्यू टू हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू समझते हो, बॉडी अच्छे से बनी रहे। प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम मीट इज ईजिली डाइजेस्टेड एंड दस एब्जॉर्ब क्विकली एंड इफेक्टली बाय द बॉडी। ठीक है, कि जो प्रोटीन है वो क्या है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के द्वारा। ठीक है, रेड मीट चिकन एंड टर्की एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इनमें। ठीक है, प्रोटीन की बात अपने होगी है। ठीक है, विटामिन के आगे बात कर लेते हैं कि विटामिन क्या क्या है और फिर अपने आगे दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, विटामिन की बात करें तो विटामिन आर विटल रोल इन मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी अगर आपको बॉडी चाहिए तो आपको सभी तरह के विटामिन चाहिए, A, B, C, D, E। ठीक है, मीट इज़ पार्टिकुलरली गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड बी विटामिन इंक्लूडिंग B2, B6 एंड B। ठीक है, मीट क्या गुड सोर्स है विटामिन ई का, बी का और B2, B6 और B12 का। ठीक है, विटामिन ई हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। विटामिन ई क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, हेल्प रिड्यूस डैमेज कॉजेज बाय द ऑक्सीजन टू सेल, दस अलाउिंग फास्टर मसल रिपेयर एंड रिकवरी। ठीक है, विटामिन ई क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करते हैं डैमेज को, जो डैमेज को क्या है कम कर देता है, ऑक्सीजन टू सेल अलाउंग फास्टर, और ये जल्दी मसल रिपेयर करता है और रिकवरी करता है। ठीक है, जैसे आप अगर मान लो कोई जिम करता है तो जिम में क्या होता है, मसल पहले टूटती हैं, मसल की जो सेल्स हैं वो टूटती हैं, फिर उनको वापस से रिपेयर करने के लिए प्रोटीन और विटामिन दे तो वो जल्दी भर जाती हैं और फिर ज़्यादा तेज़ी से भरती हैं। बी विटामिन आल वर्क टुगेदर टू हेल्प कन्वर्ट फूड इंटू एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बट दे आल्सो हैव इंडिविजुअल यूजेस, उसके कुछ इंडिविजुअल यूजेस भी हैं। बी टू एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, RBC जो बोलते हैं रेड ब्लड सेल है उसको बनाने के लिए क्या है, बी टू एसेंशियल पार्ट है विच देन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, और जब पूरी जिसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का। B6 विटल रोड विटल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड B12 इज इंपरेटिव फॉर गुड नर्व सिस्टम। B6 क्या है, विटल रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, और B12 क्या है, इंपरेटिव फॉर गुड नर्व फंक्शन है इसका। अदर बेनिफिट की बात करें, मिनरल प्रोटीन विटामिन मीट स्पेशली फिश है प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल अनसेचुरेटेड फैट लाइक Omega-3 fatty acid भी होता है इसके अंदर। Omega-3 कैन यू एक्चुअली हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देता है, ब्लड प्रेशर एंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी करते हैं हार्ट का जब खतरा हो जाता है, जब हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है तो कार्डियोलॉजी करते हैं, लेकिन ओमेगा 3 अगर फैटी एसिड लें तो उससे क्या है हमें सही समस्या नहीं होती। ठीक है, देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, मीट के अंदर जनरली होता है, और सबसे ज़्यादा बात करूँ तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है मछली के तेल के अंदर, मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल आते हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेना चाहें तो फिर तो सनफ्लावर के ऑयल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो आप सनफ्लावर का ऑयल ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो। ठीक है, वेजिटेरियन है तो आप सनफ्लावर का ऑयल लीजिए, बाकी यहाँ पर अपने एनिमल डाइट की बात की गई है तो मीट के अंदर क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये अपना मीट कंप्लीट हुआ है, अभी अपना मीट कंप्लीट हुआ है, आगे अपने एग की बात करेंगे, एग मिल्क
डेयरी मिल्क प्रोडक्ट की फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या है अपना, सेकंड एग क्या है ये कल अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।